हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज हम जानेंगे टर्बो इंडक्टिव चार्जिंग सेक्शन के बारे में कि टर्बो इंडक्टिव और नॉर्मल इंडक्टिव चार्जिंग कैसे काम करता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है ये हम समझेंगे, ताकि आप बेहतर तरीके से काम कर पाएँ और रिपेयर कर पाएँ। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन कोर्स न्यू बैच शुरू होगा 15 जून से। अगर आप मोबाइल रिपेयर सीखना चाहते हैं काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छे से, बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स, तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 15 जून से एक न्यू बैच शुरू होगी, और अगर आप 15 जून वाली बैच को मिस कर जाते हैं, नहीं ज्वाइन कर पाते, तो 1 जुलाई से फिर से न्यू बैच शुरू होगी, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। फीस होगी सिर्फ 1999, और ये ऑफ़र आप सभी के लिए है, और ये दो बैच में ही ये एप्लीकेबल होगा, इसके बाद ये ऑफ़र बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो नीचे दिए इस नंबर पे आप संपर्क करें और ज्वाइन करें, सीट लिमिटेड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन रिपेयर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप के चार्जिंग सेक्शन होते हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि कितने टाइप के चार्जिंग सेक्शन होते हैं और आप जो रिपेयर कर रहे हैं उसमें कौन सा चार्जिंग लगा हुआ है, तो आप या तो तुक्के से रिपेयर कर पाएंगे या फिर हो सकता है कि सेट और ज़्यादा ख़राब हो जाए, इसलिए ये जानना ज़रूरी है। सबसे पहले इंडक्टिव, दूसरा है कैपेसिटिव, तीसरा है लीनियर। कैपेसिटिव टर्बो चार्जिंग के लिए होता है, लेकिन टर्बो इंडक्टिव चार्जिंग भी होती है। ठीक है, और ये दोनों ही कॉमन है, कैपेसिटिव और टर्बो इंडक्टिव, तो ये दोनों ही हम स्टडी करेंगे, बट आज के वीडियो में हम देखेंगे टर्बो इंडक्टिव और इंडक्टिव। आगे देखेंगे हाउ टू वर्क चार्जिंग सेक्शन और टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन चार्जिंग सेक्शन। आज हम टर्बो इंडक्टिव के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, बट टर्बो इंडक्टिव को समझने से पहले नॉर्मल इंडक्टिव को समझना होगा, ताकि टर्बो इंडक्टिव का बेसिक कॉन्सेप्ट सभी को समझ आ सके। शुरू करते हैं इंडक्टिव चार्जिंग से। सबसे पहले हम देखेंगे चार्जिंग जैक से हम शुरू करेंगे। तो चार्जिंग जैक में यहाँ पे 5 पिन होती है। सबसे पहली पिन होती है वी बस की, यानी कि 5 वोल्ट की। ये 5 वोल्ट सबसे पहले जाता है ओवीपी में, यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी, जो कि चार्जर से आने वाले वोल्टेज को सेंस करता है, और ओवर वोल्टेज अगर आ जाता है चार्जर की तरफ से तो उससे ये सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद अगर वोल्टेज सही हुआ तो आगे जाता है यही वी बस चार्जिंग आईसी में। चार्जिंग आईसी में जाने के बाद यही वोल्टेज बनता है वीपीएच पावर, और अगर आप एमटीके में काम करेंगे तो इसको कहा जाएगा एसवाईएस, वीएसवाईएस, और क्वालकम में वीपीएच पावर। तो इस तरह से ये वोल्टेज बनता है। इसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप मेरा इंडक्टिव चार्जिंग वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें सिर्फ मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप आगे टर्बो इंडक्टिव को समझ सकें। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वीपीएच पावर की लाइन है, लेकिन वीपीएच पावर बनता है ये स्विचिंग के कारण। अब ये स्विचिंग होती है, स्विचिंग को सेंस करता है बूट कैप, ठीक है, और यहां पे जो वोल्टेज बनता है वीपीएच पावर की लाइन में, इस वोल्टेज को सेंस करता है एफ बी, यानी कि फीडबैक की लाइन। अब इसके बाद आगे एक पीएमआईडी की भी लाइन होती है, इसमें सेम 5 वोल्ट होता है जो कि वी बस में होता है। इसके बाद में चार्जिंग आईसी आउट करती है सीएचजी आउट, यानी कि चार्जिंग आउट, ये जाता है एफजी में, मतलब कि फ्यूल गेज में। अगर फ्यूल गेज चार्जिंग आईसी के साथ मर्ज होगी तो फिर फ्यूल गेज की अलग से आईसी आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर किसी मॉडल में बीक्यू वाला सर्किट होगा तो वहां पर आपको नॉर्मली फ्यूल गेज का सर्किट देखने को मिलता है। इसके बाद आगे चलेंगे, जब ये चार्ज आउट की जो लाइन होती है फ्यूल गेज तक आती है, तो फ्यूल गेज जो आउटपुट करता है वो होता है वी बैट।
ये जाता है आपके बैटरी कनेक्टर पे, बैटरी कनेक्टर के एक साइड के टर्मिनल पे वी बैट जाता है और दूसरे साइड होता है हमारा ग्राउंड, और जो बीच की पिन होती है ये जो दो लाइन होती है ये होती है एक आईडी और एक होता है आपका टीएच यानी कि थर्म। इसके बाद सेकंड नंबर की जो लाइन होती है वो होती है डीएम और तीसरे नंबर की जो होती है वो होती है डीपी। ये जाता है आपके सीपीयू पे, सीपीयू से ये डायरेक्ट इंटरकनेक्टेड होता है, सीपीयू से ये डायरेक्ट इंटरकनेक्टेड लाइन होती है। यहाँ बीच में कोई भी रेजिस्टर कैपेसिटर डायोड नहीं लगा होता। इसके बाद डीएम डीपी की लाइन चार्जिंग आईसी से भी कनेक्ट होती है बट थ्रू अ रेजिस्टर, बीच में एक रेजिस्टर होता है, रेजिस्टर के थ्रू ये कनेक्ट होता है। ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर इंडक्टिव चार्जिंग का, नॉर्मल इंडक्टिव चार्जिंग का। इसमें अगर आपको कोई भी चीज ऐसी हो जो सही से समझ ना आई हो तो आप इसको रिपीट करके देखें, या फिर एक और वीडियो मेरा रखा हुआ है इंडक्टिव चार्जिंग के ऊपर काफी डिटेल में डायग्राम के साथ में, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब टर्बो इंडक्टिव के बेसिक स्ट्रक्चर को जानेंगे, बेसिक ब्लॉक डायग्राम को समझेंगे। अब हम समझेंगे टर्बो इंडक्टिव चार्जिंग सेक्शन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। शुरू करेंगे वीबस से। वीबस की सप्लाई सबसे पहले आती है ओवीपी तक। ओवीपी में आने के बाद में यही वीबस की सप्लाई दो हिस्से में डिवाइड हो जाती है और ये जाता है आपके नॉर्मल इंडक्टिव में और टर्बो इंडक्टिव चार्जिंग की आईसी में, यानी कि एक ये नॉर्मल आईसी है और ये टर्बो आईसी है, मतलब कि फास्ट चार्जिंग के लिए। तो जैसा कि आपने नॉर्मल चार्जिंग में देखा था, जब नॉर्मल चार्जिंग आईसी में वी बस आता है तो वो सबसे पहले बनाता है वीपीएच, तो यहां पर भी ये वीपीएच ही बनाएगा। वीपीएच बनाने के बाद में सीएचजी आउट यानी कि चार्जिंग आउट, जो कि फ्यूल गेज में जाता था, लेकिन फ्यूल गेज अगर आपकी चार्जिंग आईसी के साथ मर्ज होगा तो ये डायरेक्ट जाएगा बैटरी कनेक्टर पे। ठीक है, तो ये बैटरी कनेक्टर है आप समझ लेंगे, और ये चार्जिंग आउट होगा और जाएगा बैटरी कनेक्टर तक, तो इस प्रकार से ये चार्ज करेगा बैटरी को। लेकिन अगर आपकी केबल सही है, चार्जर सही है और सर्किट सही है पूरा, तो अब यहाँ पे एक से डेढ़ सेकेंड का वेट होने के बाद में नॉर्मल चार्जिंग जो आईसी है, नॉर्मल इंडक्टिव आईसी है, ये ईएन सिग्नल यानी कि इनेबल सिग्नल देगी टर्बो चार्जिंग आईसी को, और टर्बो चार्जिंग अब एक्टिव होती है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज पहले से ही होता है इसके इनपुट में, लेकिन ये एक्टिव नहीं होती, एक्टिव होती है ईएन मिलने के बाद में। और इसके बाद वीपीएच की सप्लाई यहाँ पे वीपीएच के साथ इंटरकनेक्टेड होता है, तो जब इन दोनों लाइन पे पॉजिटिव वोल्टेज बनता है पैरेलल में, तो अब यहाँ पे एम्पियर इंक्रीज होता है, क्योंकि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप दो बैटरी को लेकर के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो एम्पियर बढ़ेगा, और उसी को अगर हम सीरीज में जोड़ देंगे तो वहां पर वोल्टेज इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही वोल्टेज, ये भी पॉजिटिव है वीपीएच जो टर्बो इंडक्टिव से आ रहा है, और जो नॉर्मल चार्जिंग आईसी से आ रहा है ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव जब मिलेगा तो वहां पे एम्पियर इंक्रीज होगा, और फिर यही एम्पियर अब यही जो फीडबैक की लाइन होती है जो वापस जाती है, इसके बाद में यही लाइन आगे आती है चार्जिंग के लिए। अब यहां पे हाई एम्पियर के साथ में इसको चार्ज करेगा हमारी बैटरी को। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर हमारी टर्बो चार्जिंग आईसी का, टर्बो इंडक्टिव चार्जिंग आईसी का। अगर आपको ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे नीचे दिए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आप ऑनलाइन मोबाइल रिपेयर कोर्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो 15 जून से हमारी न्यू बैच शुरू होगी, बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स होगा, फीस है मात्र 1999 यानी कि मात्र 2000 रुपये।
इस कोर्स में आपको कंप्लीट मोबाइल रिपेयर सिखाया जाएगा, और ये कोर्स मैंने उनके लिए डिज़ाइन किया है जो लोग पहले से मोबाइल रिपेयर करते हैं, या पहले से आप मोबाइल रिपेयर का कोर्स कर चुके हैं फिर भी आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए और आपको लगता है कि अब भी सीखने की ज़रूरत है, अब कहाँ जाएँ सीखने के लिए, कौन से इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करें, तो आप मात्र 1999 में सिर्फ इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, और ये मेरी गारंटी है कि इसके बाद आपको किसी और इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 15 जून की बैच होगी, इसके बाद में 1 जुलाई की बैच है, तो अगर 15 जून वाली मिस हो गई तो आप 1 जुलाई वाली बैच को अटेंड करें 1999 में। और अगेन मैं गारंटी देता हूँ कि जो इंस्टीट्यूट में आप काफ़ी बड़ा अमाउंट दे करके सीख सकते हैं वही चीज़ आप 1999 में सीखेंगे, या हो सकता है उससे ज़्यादा आप सीख पाएंगे। और इसमें कोई भी हिडन चार्ज नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, मात्र 1999 का ही कोर्स है। आप नीचे दिए इस नंबर पर संपर्क करें, अपनी सीट बुक कराएं। फीस पे करने के बाद में आप अगर 15 जून वाली बैच में अटेंड करेंगे या 1 जुलाई वाली बैच में अटेंड करेंगे तो 3 दिन आप क्लास अटेंड करें। 3 दिन में अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आगे कंटिन्यू करना लायक है तो आप करें, और अगर आपको लगता है कि आगे मुझे कंटिन्यू नहीं करना तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करेंगे और अपना QR भेजेंगे, मैं आपको डायरेक्ट आपकी फ़ीस रिटर्न कर दूंगा, और कोई भी इसमें काट झट नहीं होगी फीस में, 100% आपका मनी बैक हो जाएगा अगर आपको लगता है कि कोर्स आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है तो। ठीक है, बाकी मैं आपसे मिलता हूँ क्लास में। जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपके सवाल हैं, नीचे दिए नंबर पे आप संपर्क करें और आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ क्लास में। ओके जी, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं क्लास में।